तो इस वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी के ढेर ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिन सबके जवाब को आप भी शायद से ढूंढना चाहते होंगे। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग दे देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने इस मूवी को फिलहाल नहीं देखा है तो इस वाले मूवी को सबसे पहले जाकर देख के आओ, उसके बाद ही इस वाले वीडियो को आप कंटिन्यू करना, क्योंकि इसमें आपको भरे हुए स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही में मूवीज में हुए बहुत सारे ऐसे इवेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे जिन सबको आप अगर मूवी को नहीं देखे होंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। साथ ही में आप अगर प्लान कर रहे हो इस मूवी को देखने के लिए, लेकिन बावजूद उसके अगर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर रहे हो तो मूवी की एक्सपीरियंस आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी। तो इसके लिए जल्द से जल्द मूवी जाकर देख के आओ, उसके बाद इस वाले वीडियो को कंटिन्यू करना। चलो और आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया था, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा बीच से उठा रहा हूँ क्योंकि आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे थोड़े से इंटरेस्टिंग सवाल आते जाएंगे। खैर, मैं बात कर रहा हूँ इल्यूमिनाटी को जब इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तभी के टाइम पर मेरे दिमाग में ये भी सवाल आया था कि इस वाले अल्टरनेट अर्थ पर क्या जो इल्यूमिनाटी के ग्रुप को ही सिर्फ प्रेजेंट किया जा रहा है, क्या उनके अलावा कोई दूसरा ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहूँ तो इस वाले अल्टरनेट अर्थ पर, यानी कि 838 अर्थ पर क्या एवेंजर्स का टीम एग्जिस्ट नहीं करता है। जहाँ पर अगर इस चीज को मैं सिंपलफाई वे में बताने की कोशिश करूँ तो इसका जवाब हाँ ही निकलेगा। यानी कि हाँ इसलिए नहीं कि इस वाले यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, मैं बात कर रहा हूँ कि एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इस वाले चीज को ही हमने मोडो को कहते हुए देखा था कि असल में कैप्टन कार्टर एवेंजर्स की फर्स्ट मेंबर होती है। यानी कि जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, कुछ उसी तरीके से कैप्टन कार्टर को भी रेफरेंस दिया गया था। लेकिन आखिरकार अगर वो एग्जिस्ट करते थे तो हमें स्क्रीन पर उन सबको ही आखिरकार क्यों नहीं दिखाया गया। और साथ ही में थैनोस के जब वही वाले बैटल को दिखाया गया था तभी के टाइम पर भी हमें इल्यूमिनाटी के ग्रुप को ही दिखाया गया था, लेकिन बावजूद इनके बाकी सभी सुपर हीरोज को आखिरकार क्यों नहीं दिखाया गया। अगर आप इस चीज को भी थोड़ा सा वंडर कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब हमें कॉमिक बुक में ही मिल जाता है। यानी इल्यूमिनाटी के ग्रुप को ही फॉर्म इसलिए किया गया था ताकि ऐसे सभी मेजर डिसीजन वो खुद ही ले सके, जहाँ पर जितने भी मेंबर इसी वाले ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं वो सभी पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका जैसे, यानी कि इस वाले अर्थ पर तो कैप्टन कार्टर थे जो कि हमारे एवेंजर्स टीम को बिलोंग करते थे, कुछ वैसे ही प्रोफेसर एक्स हमारे एक्समैन के ग्रुप को ही बिलोंग करते थे, ब्लैक बोल्ट इनह्यूमंस को रिप्रेजेंट करते थे, सभी सॉर्सरर को मोडो रिप्रेजेंट करते हैं, फैंटास्टिक फोर को रीड रिचर्ड रिप्रेजेंट करते हैं और आखिरी में कैप्टन मार्वल सभी स्पेस के सुपर हीरो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे में इन सभी सुपर हीरो को सिर्फ इसलिए दिखाया गया क्योंकि मूवी में उनका सिर्फ डिसीजन लेने का ही रोल को दिखाया गया था, जहां पर जब इस वाले यूनिवर्स के ही डॉक्टर स्ट्रेंज को मानने की बारी आई तो भी वो एक कठिन डिसीजन था जिसको कि इल्यूमिनेटी के ग्रुप्स ने ही लिया था। तो इसीलिए ही हमने सिर्फ इस वाले ग्रुप को ही दिखाया गया क्योंकि इस वाले अल्टरनेट अर्थ पर कॉमिक बुक की तरह इल्यूमिनेटी ही सभी चीजों का डिसीजन लेती है। तो ऐसा नहीं है कि एवेंजर्स असल में इसी वाले अल्टरनेट अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ हमें उनको बिहाइंड द सीन पर ही रखा गया था और स्क्रीन पर दिखाया नहीं गया था। और इल्यूमिनाटी से ही एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि उन्होंने आखिरकार इसी वाले वेरिएंट के ही डॉक्टर स्ट्रेंज को क्यों ही मारा था, जहां पर हमने ब्लैक बोल्ट को ही आई एम सॉरी कहते हुए उनको ही मारते हुए देखा था, लेकिन उनका रीजन आखिरकार क्या ही था। अगर आपने मूवी को ध्यान से नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब मूवी में ही दिया गया था, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज इसी वाले थैनोस के वेरिएंट को हराने के लिए डार्कहोल्ड किताब को पढ़ने लगे थे और स्लीप वॉकिंग करने लगे थे, यानी कि जैसे हमने वांडा को ही करते हुए देखा था। कुछ उसी टाइप से ही अर्थ 838 के वेरिएंट के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी थैनोस को ही मारने के लिए डार्कहोल्ड की किताब का इस्तेमाल किया रहेगा, जहां पर मैं इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की बिल्कुल भी गलती नहीं कहूंगा क्योंकि शायद से इसी वाले वेरिएंट के भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटी को देखा होगा जिसमें कि वो खुद ही अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए नजर आएंगे। यानी कि इकलौता ऐसा एक रास्ता होगा जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज डार्कहोल्ड किताब को इस्तेमाल करेंगे जिसके दम पर ही थैनोस को हराया जा सकता है, लेकिन इसके बदले डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी लाइफ को ही सेक्रीफाइस करना रहेगा जिसको शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज ने वही वाले पॉसिबिलिटी में ही देख लिया होगा, जहां पर आप उनके भी फेस के एक्सप्रेशन पर अगर थोड़ा सा नजर डालें तो वहां पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज के फेस के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि उनको पहले से ही पता था कि एंड में उनको मरना ही होगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने के लिए डार्कहोल्ड किताब का इस्तेमाल तो कर दिया, लेकिन थैनोस से भी बड़ी समस्या उन्होंने खड़ी कर दी थी,
जहां पर इनकर्जन का इवेंट ही शुरू होने वाला था, जिसको मद्देनजर रखते हुए ही इल्यूमिनाटी के ग्रुप ने डॉक्टर स्ट्रेंज को ही खत्म कर दिया था। जहां पर इनकर्जन के बारे में आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इसको ही मूवी में मेंशन किया गया था, जहां पर दोनों यूनिवर्स इससे आपस में कोलाइड होने लगते हैं, जहां पर सभी चीजें मेस्ड अप हो जाती है। या तो एक यूनिवर्स जिंदा रहेगा या फिर दोनों यूनिवर्स खत्म हो सकते हैं। तो इसी वाली गलती को ही डॉक्टर स्ट्रेंज ने कर दिया था, जहां पर मोडो ने ही मैनिपुलेट करते हुए इल्यूमिनाटी को ऐसा उकसाया कि डॉक्टर स्ट्रेंज असल में एक बुरा आदमी है और हमारे यूनिवर्स के और सभी यूनिवर्स के लिए ही खतरा बन सकता है। इसी को ही नजर रखते हुए इल्यूमिनाटी के ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि डॉक्टर स्ट्रेंज अगर थानोस को हराने के लिए डार्कहोल्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं तो आगे भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे जिनको ही खत्म करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज वापस से डार्कहोल्ड को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी वाली चीज को ही दूर करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि आखिरकार हमें डॉक्टर स्ट्रेंज को ही खत्म कर देना चाहिए, और डार्कहोल्ड किताब को उन्होंने मोडो को ही सौंप दिया था। अगला जो सवाल आता है कि आखिरकार अगर इस वाली यूनिवर्स में हमें आयरन मैन को दिखाया नहीं गया था तो ऐसे में इन्हीं सभी अल्ट्रॉन बॉट्स को कौन ही बनाया होगा। जहां पर इस पर भी मैं एक सिंपल सा ही जवाब देना चाहूंगा कि शायद से हो सकता है कि इस यूनिवर्स में भी एक आयरन मैन एग्जिस्ट करता होगा, जिस पर तो र्यूमर भी ऐसी आई थी कि टॉम क्रूज ने ही आयरन मैन के रोल को किया था लेकिन उनके ही रोल को हटा दिया गया था। यानी कि आपको तो पता ही होगा कि सैम रेमी के कट में असल में 2 आवर 40 मिनट की मूवी को दिखाया जाने वाला था, लेकिन उन्हीं में से ही सभी चीजों को काट कर वापस से मूवी को 2 आवर 6 मिनट का कर दिया गया। तो हो सकता है उन्हीं सभी कट सीन में ही आयरन मैन को भी शायद से दिखाया जा सकता था, जिन सबको तो अभी के लिए कैंसिल कर दिया ही गया है। तो ऐसे में मेरे पास ऐसा ही जवाब आता है कि हो सकता है इस यूनिवर्स में आयरन मैन एग्जिस्ट करता होगा लेकिन वो इल्यूमिनाटी का पार्ट नहीं रहा होगा, और इसीलिए ही हमने आयरन मैन के किरदार को बिल्कुल भी नहीं देखा था और इल्यूमिनाटी को ही क्यों ही दिखाया गया, हमने इस वाले वीडियो में ही पहले आपसे बात कर लिया है। और दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि इस वाले यूनिवर्स में जो एंड गेम के इवेंट के टाइम पर थानोस इन्वेट किया होगा, तभी के टाइम पर ही हमारे आयरन मैन भी मर गए होंगे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने इन्हीं सभी अल्ट्रॉन बॉट्स को ही बना दिया होगा, जिन सबको आगे जाकर क्रिस्टिन पामर ही कंट्रोल करती हुई नजर आती होगी। लेकिन थर्ड आंसर जो काफी ज्यादा लॉजिकल भी फील होती है, क्योंकि मोडो ने ही जब इल्यूमिनाटी के ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया था तभी के टाइम पर उन्होंने ऐसा भी मेंशन किया था कि इस वाले यूनिवर्स में जो सबसे इंटेलिजेंट सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है वो असल में रीड रिचर्ड्स ही। तो ऐसे में हो सकता है कि इस यूनिवर्स में आयरन मैन ने अल्ट्रॉन बॉट्स को नहीं बनाया होगा, बजाय इसके रीड रिचर्ड्स ने ही इस वाले यूनिवर्स में अल्ट्रॉन बॉट्स को बनाया होगा। चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हमने वांडा को काफी ज्यादा ही डार्कहोल्ड से जुड़ा हुआ देखा था, क्योंकि डार्कहोल्ड में बहुत सारे ऐसे भी पैटर्न्स थे जो कि स्कारलेट विच को ही सिग्निफाई कर रहे थे। साथ ही में माउंट वुंडागर के वही वाले टेंपल पर हमने स्कारलेट विच के ही स्टैचू को एनक्रिप्टेड होते हुए देखा था, जो चीज अगेन हमें थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देती है कि वांडा आखिरकार इतनी ज्यादा डार्कहोल्ड से क्यों ही जुड़ी हुई है। तो इसी वाली चीज को भी आपने मूवी में ही देखा होगा, जहां पर मेरे नजरे में शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर वांग ने ही इस चीज का मेंशन किया था कि वांडा के बारे में ऐसा ही प्रिडिक्शन की गई है कि वो फ्यूचर में जाकर इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर इस यूनिवर्स पर राज ही करने वाली है, जिनका पूरा ही कनेक्शन डार्कहोल्ड से ही बैठता है, क्योंकि शायद से इसी वाले प्रिडिक्शन को हम इस मूवी में ही सच होते हुए देख सकते थे। लेकिन इन सब के बीच ही अमेरिकन चैवेस की कैरेक्टर आ जाती है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इन सब के बीच ही वांडा सिर्फ अपने बच्चों को पाने के लिए सभी सुपर हीरो सभी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी राजी थी, और वो बच्चों के प्यार में ही इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि डार्कहोल्ड की किताब को और भी ज्यादा पढ़कर उसको काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर रही थी, जिसमें हमने डार्कहोल्ड को ही इस पर हावी होते हुए देखा था, जहां पर वांडा कम्प्लीटली ही डार्क कैरेक्टर में तब्दील हो गई थी। और बात करिए आखिरी सवाल के बारे में, तो वांडा ने इस वाले मूवी के एंड में आखिर क्या ही किया था कि सभी यूनिवर्स के ही डार्कहोल्ड की किताब मिट गए थे, और क्या वांडा इस मूवी में या फिर एमसीयू के मेन टाइमलाइन में मर गई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। जहां पर पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि वांडा ने आखिरकार क्या ही किया था, तो इस पर मेरी फैन थ्योरी ऐसी है कि इसी वाले यूनिवर्स में सिथ थॉर्न ने वांडा को ही चूज किया रहेगा डार्कहोल्ड की किताब को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए, लेकिन बाकी सभी यूनिवर्स के सिथ थॉर्न ने कुछ दूसरा ही डिसाइड किया रहेगा। लेकिन इसी वाले यूनिवर्स के खातिर ही वांडा ने जब इस टेम्पल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था तो सभी यूनिवर्स के डार्कहोल्ड की किताब मिट गए थे, क्योंकि डार्कहोल्ड का सीधा ही कनेक्शन वांडा से बैठा था, जैसे कि हमने पिछले वाले सवाल में बात कर लिया था। लेकिन बात करें वांडा ने आखिरकार इस वाले टेंपल को जब डिस्ट्रॉय कर दिया था, और क्या सभी मलबे के बीच ही दबकर वो मर गई है,
तो इसी वाले चीज को अगर आपने मूवी में थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो वांडा के ऊपर जब सभी मलबे गिर रहे थे तब विकेट टाइम पर एक रेड कलर का ही ब्लास्ट होता हुआ नजर आता है। इस वाली चीज को मैं शायद से वीडियो पर ना दिखा पाऊं कॉपीराइट इश्यूज के चलते, लेकिन मूवी को जब आप दोबारा से देखोगे तभी आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, जहां पर सभी मलबे जब वांडा पर ही गिर रहे थे तभी के टाइम पर एक रेड कलर का ही ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से स्क्रीन ने शिफ्ट हो जाती है, जिस पर मेरी प्रिडिक्शन यही होती है कि वांडा असल में ब्लास्ट कर ही निकल गई होगी और केओस मैजिक का ही इस्तेमाल करते हुए शायद से उसने एक ऐसा एनर्जी शील्ड को बनाया होगा जो कि इन्हीं सभी मलबे से उसको बचाई होगी। जहाँ पर इस पर तो हम बोल्ड प्रिडिक्शन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी रूमर निकल कर आई है कि एलिजाबेथ ओल्सन ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। तो ऐसे में ऐसा भी रूमर किया जा रहा है कि वांडा की ही एक सोलो प्रोजेक्ट आने वाली है जो कि शायद से एक सीरीज के वे में भी हो सकती है या फिर मूवी भी हो सकती है, जहाँ पर वांडा के फ्यूचर को भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और वांडा आखिरकार इतनी ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ अगर इस मूवी में ही ऐसे ही मर जाएगी तो उसका क्या ही रोल बचेगा। लेकिन आप इसके बारे में क्या ही कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना, और ऐसे ही कंटेंट से रोज जुड़े होने के लिए आप हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब कर देना। और बाकी सभी सवाल क्या आप सभी के दिमाग में आए होंगे उन्हीं सभी चीजों को भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में ही लिखकर बता देना, जिन सबको हम इसके सेकंड पार्ट में ही आंसर कर देंगे। खैर इस वाले वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम इस वीडियो से यहीं पर विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।